ये एक और रीजन था अपना दीवाने का। पूना से स्पेशली मेरे को गिर तलाला स्पेशली दिस रोड कंडीशन फ्रॉम भावनगर टू दीव का जो इतिहास है हिस्ट्री है कि जो बहुत रेयर केस में दिखती है सासन गिर की प्योर। सो फुल रश है अभी, पार्किंग ऑलमोस्ट फुल है। ये गाड़ी आपको जो दिख रही है ये सब रात में आई है यहाँ पर, एंड सुबह उठते ही जब आपका रूम फ्रंट फेसिंग हो तो कुछ ऐसा नज़ारा मिलता है रेनबो रिसॉर्ट से। दिस इज द नागवा बीच रोड। हे गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम दीव, दिस इज शिवम सोलंकी। आई होप आप सभी लोग एकदम मस्त होंगे। तो इसी फुल ऑन एनर्जी के साथ गिव दिस वीडियो अ थम्स अप, मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन ऑन। आज है अपना डे 3 इन दीव, चेकिंग आउट फ्रॉम रेनबो रिसॉर्ट टुडे। आज 10 बजे का चेकआउट टाइम है, अभी मैं रेडी हो चुका हूँ। टाइम इज 8 एम फॉर नाउ। इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर गई हुई है, पावर कट है। शिट, आई थिंक सो यहाँ पर केबल कुछ कट हो गई है। मैंने रिसेप्शन में अभी कॉल लगाया एंड जनरेटर का पता नहीं क्या इशू है। तो 10 बजे निकलेंगे टूवर्ड्स भावनगर। ब्रेकफास्ट अभी बाकी है, 8 एम यहाँ का जो रेस्टोरेंट है ब्लूबेरी वो ओपन होता है। सो अभी बस थोड़ी देर में ऑर्डर कर दूंगा। ये जो सामने है वो यहाँ की खाड़ी है जिसको बे बोलते हैं हम। एंड ऊना से स्पेशली मेरे को फेमस गिर की केसर कैरी लेनी है, केसर मैंगो। सो वहाँ पर लास्ट टाइम मैंने जहाँ से ली थी उसी भैया का कॉन्टेक्ट नंबर है, तो उसको मैंने कॉल कर दिया था। तो सीधा वहाँ पर मुझे पहुँचना है पहले यहाँ से निकलने के बाद। एंड बिलीव मी, सासन गिर की मैंगो इज़ एक्चुअली वर्ल्ड फेमस है। मुझे जहाँ तक पता है कि गिर तलाला स्पेशली दिस ऊना साइड, गिर सोमनाथ साइड, यहाँ पर हाई प्लांटेशन है मैंगोज की। तो ये एक और रीज़न था अपना दीप आने का कि रिटर्न में एक मैंगो का बॉक्स लेकर जाना है भावनगर। ब्रेकफास्ट करने के बाद आज का प्लान है कि पहले पोटके दादा मंदिर जाना है मुझे, जहाँ पर डायनासोर पार्क है वहाँ पर दर्शन करना है मंदिर में। इसके बाद यहाँ पर लगेज लेकर सीधा निकलेंगे टूवर्ड्स ऊना, ऊना में मैंगोज लेकर फिर भावनगर। सो दैट्स द प्लान फॉर टूडे। सो शाम तक तो भावनगर पहुँच जाऊँगा। रोड कंडीशन इज ऑसम फ्रॉम भावनगर टू दीव, पूरा 4 लेन हो चुका है। ऊना बाईपास का जो रोड है वो भी है, बट भावनगर टू ऊना टोटली 4 लेन हाईवे। सो मुझे आने में सिर्फ 4.5 आवर्स लगे दीव पहुंचने में। रोड कंडीशन एकदम झकास है, सुपर क्वालिटी एक नंबर है। सो ऑलमोस्ट तलाजा बाईपास हो गया, मोवा बाईपास हो गया, राजूला का फ्लाईओवर है वो भी चालू हो गया, एंड ऊना का बाईपास भी चालू है। सो नॉट एन इशू इफ यू आर ट्रैवलिंग बाई रोड टू दीव। इस जगह को अलविदा कहने का मन नहीं करता, बट एनीवेज जाना तो पड़ेगा भावनगर। सो वेरी सून वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेस विद फैमिली। दिस टाइम इट वाज अ सोलो ट्रिप, इस बार तो मैं अकेला ही आया हूँ। बट अभी जस्ट होपिंग कि ये लाइट जल्दी से आ जाए। हालांकि गर्मी इतनी यहाँ पर लगती नहीं है क्योंकि सी साइड है, सो भावनगर जितना टेम्परेचर यहाँ पर नहीं है। सो फाइनली आफ्टर हाफ एन आवर ब्रेकफास्ट आ गया। आज का ब्रेकफास्ट आ चुका है, आलू की सब्जी, पूरी, सो पूरी भाजी एंड कॉफ़ी, ये सारे शुगर पैकेट्स, सॉल्ट एंड पेपर। तो ये रेनबो रिसोर्ट का रेस्टोरेंट है ब्लूबेरी, ये इसका मेनू है। एक्चुअल में ये दिखाना मैं भूल गया था, सो यू कैन पॉज द वीडियो या फिर स्क्रीन शॉट ले लेना आप। वेज एंड नॉन वेज बोथ आर अवेलेबल, एंड पीछे ये कुछ लाइट खाना। तो ये है पोटिया दादा का मंदिर। पहले ये एक छोटा सा मंदिर हुआ करता था, बट अब ये इसका बड़ा निर्माण हो गया। यहाँ पर भी एक शिवलिंग बना दी है। एक्चुअल में इसका जो इतिहास है, हिस्ट्री है कि जो नंदी है शिव जी की वो यहाँ पर है। शिवलिंग ना अंदर समुद्र में है, तो वो बहुत रेयर केस में दिखती है, बट एक्चुअल में ये अंदर है शिवलिंग। बट शिवलिंग अंदर है, नंदी का मंदिर ये पीछे है।
तो लास्ट टाइम इस वाइप को एंजॉय कर लेते हैं इस दीव ट्रिप। सो कल शाम को मैं यहाँ पर ही आया था, डायनासोर पार्क, उठिया दादा टेम्पल। यहाँ नज़र करेगा इस सासन गिर की प्योर फेमस मैंगोज, यहाँ से सारी एक्सपोर्ट होती है। ये सही में बहुत इसमें मिठास होती है एकदम से, तो फटाक से इसको ले जाता है घर। एड्रेस का बोल दूँ, सामने ना गिर गिरडा का रोड है, अगर आप भावनगर राजूला से आ रहे हो सो दैट साइड विल बी कमिंग फ्रॉम, एंड अगर दीव से आ रहे हो तो इस साइड से आओगे, दीव सोमनाथ साइड से। तो ये प्रॉपर ये जो चौक पड़ता है यहाँ पर ही ये भाई बैठते हैं, एंड ये एक ग्राउंड है पीछे जहाँ पर सारा बस पार्किंग है। इट्स नॉट दैट येलोइश, प्योर ग्रीनिश टाइप है ये, तो मैं हर वक्त तो ग्रीन टाइप ही लेता हूँ यहाँ से, एंड घर जाकर मैं नेचुरली उसको पकाता हूँ। उसके ऊपर आप अनियन डाल दो या फिर नीम के पत्ते डाल दो तो अकॉर्डिंग से वो एकदम से राइप हो जाएगी, पक जाएगी। ये अपने ले लिए है ये केसर गैरी का बॉक्स नियर ऊना, ऊना बस स्टैंड सामने ऐसे भावनगर एंड उस साइड सासन गिर गिर गिरडा। सो एज प्रोमिस्ड सन्नी भाई से लास्ट टाइम भी यहाँ से ही मैंने खरीदी करी थी, आप लोग आ रहे हो ऊना तो यहाँ से आप लेना, अच्छी क्वालिटी की मुझे मिल गई थी एंड अच्छे प्राइस में भी। अभी यहाँ से पकड़ेंगे सीधा टूवर्ड्स भावनगर, ऊना अपना लास्ट स्टॉप था, केसर गैरी बहुत फेमस है एंड मुझे लेनी थी यहाँ से, सो अच्छे दाम में मिल गई फाइनली। इसको यहाँ पर बांधना है एंड इसके लिए अपने पास ये जुगाड़ है स्ट्रॉन्ग रोप। Don't forget all the things you've been taught, you've been told. Don't blink, don't run, don't turn left or turn right or look straight at the sun. My mind's going in circles, I'm trying to fight it. Get in this... Summer mein especially aap ride kar rahe ho and aisa weather ho jaye cloudy to khushi jo hoti hai wo next level hoti hai, ekdam se weather ka change. Gone to the place where all this began. Just start again. Oh, you won't see the light until the dawn breaks. Now, till it's all said and done. So, ye box yahan par tightly bandh diya tha. So, return journey mein Bhavnagar reh gaya, just 50 kilometers to go. Time is 2 pm. 11:30 को ऊना से मैं निकला था, रोड की कंडीशन तो बहुत ऑसम है बट ऐसे जो घटादार ट्रीज है, घटादार वृक्ष है, उसकी जो छाव है वो बहुत रेयर केस में आपको मिलेगी। तो ये एक मुझे पेड़ दिखा बहुत टाइम के बाद इस रूट पर, तो यहाँ पर गाड़ी रोकी आराम से, थैंक गॉड आज इतनी गर्मी नहीं है। अब वेदर थोड़ी थोड़ी है गर्मी बट हेलमेट पहना है तो इसलिए कुछ ज़्यादा गर्मी लग नहीं रही है। सो जस्ट वन आवर में तो भावनगर पहुँच जाऊँगा, 2 PM एंड 3 PM में तो भावनगर में एंटर कर गए होंगे। लंच नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी हैवी ब्रेकफास्ट किया था एंड प्लस गर्मी के टाइम है जब मैं राइड करता हूँ तो उतना खाना मेरे को अच्छा नहीं लगता, बिकॉज खाने के बाद तुरंत बाइक ऐसे चला नहीं सकता कॉन्स्टेंटली। सो अभी सिर्फ लिक्विड ही लिया है, एक लेमन सोडा ली थी एंड जस्ट नाउ जस्ट वाटर, घर जाकर सीधा खाऊंगा।